बहुत समय पहले एक गांव में रघु नाम का व्यक्ति एक नया ब्यूटी सैलून शुरू किया। रघु, आइए भाई आइए, आज ही शुरू हुई है ब्यूटी सैलून फॉर मेन्स एंड वुमेन, कहकर पुकारने लगा। एक गंजा आदमी आकर, भाई हम जैसे गंजे लोगों के लिए भी आप विक तैयार करेंगे क्या? तैयार करेंगे सर, यहाँ हर तरह के विक्स तैयार करते हैं। ऐसे बहुत लोग उस शॉप में क्या क्या मिलेंगे ये पता करते थे, मगर कोई भी ज्यादातर उस शॉप में नहीं आता था। ऐसे बहुत दिनों से रघु कोशिश कर करके कोई ग्राहक ना आने के वजह से एक दिन शॉप में उदास बैठा हुआ था। तभी उसका चोर दोस्त वेंकट वहां पर आया। क्यों रे रघु, ऐसे क्यों हो? रघु तब जो बीता वो सब उसे बताया। दे, मैं तुम्हारे व्यापार को आगे ले जाऊंगा, कैसे और क्यों कहकर मत पूछना, मगर आज से तुम्हारे सैलून में आने वाले कस्टमर्स के दिए पैसों में से आधे पैसे मुझे देने होंगे। रघु मान गया। उस रात वेंकट एक घर के अंदर जाकर वहां सो गए औरत के आधे बाल काट कर आ गया। अगले दिन उन बालों को रघु को देते हुए, ये दूसरी गली में रहने वाले प्रभु जी की बेटी के बाल हैं। कल वो तुम्हारे पास भागते हुए आएगी, तब तुम इसे विक तैयार करके उसे दे दो। वाह, क्या आइडिया है रे तुम्हारी, बाकी का सब मुझे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा। अगले दिन प्रभु की बेटी आकर, भैया किसी ने मेरा आधा जर मुंडन करके गया है, मेरे लिए एक विक तैयार करके दीजिए ना प्लीज। आप फिकर मत करो मैडम, एकदम असली बालों के जैसे दिखने वाले विक को तैयार करके दूंगा, कहकर उसके सर को पूरी तरह से मुंडन करके एक विक तैयार करके दिया। वो लड़की विक पहनकर, ये तो बिल्कुल मेरे असली बालों के जैसे ही है, कहकर उसे धन्यवाद बोल के पैसे दी। ऐसे वेंकट हर दिन आधा सर मुंडन करता था। और औरतें रघु के सैलून को आकर विक तैयार करने के लिए पूछते थे। ऐसे रघु का व्यापार अच्छे से चलने लगा। थोड़े दिनों के बाद गांव वाले सब पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को कंप्लेंट दिए। देखिए, किसी ना किसी दिन हम उस चोर को जरूर पकड़ेंगे। और कितने दिन हम ऐसे कंप्लेंट देते रहे, हमें आप पर भरोसा उठ गया है, हम अब स्केरी टीचर के पास जाकर उनकी मदद पूछेंगे, कहकर वहां से चले गए और जाकर स्केरी टीचर से मिले। स्केरी टीचर को जो हुआ वो सब बताए। क्यों रे नालायको, तुम्हारे बालों को बचाने के लिए मेरे पास आए क्या? अपने बालों को बचा नहीं पा रहे हैं, इस बात की शर्म नहीं है तुम्हें? ठीक है, मेरे कहे जैसे करो तब वो चोर मिलेगा और आप अपने बालों को बचा पाओगे। सब लोग उसकी बात मान गए। स्केरी टीचर एक आइडिया बोलकर उन्हें तेल देते हुए, देखिए परसों रात के सोते समय आप लोग ये तेल लगाकर सो जाओ, अगर चोर आकर आपके बालों को काटे तो इससे निकले गैस से वो हंसने लगेगा। सब ठीक है बोले। अगले दिन सुबह स्केरी टीचर रघु के पास जाकर 100 विक्स आर्डर दी। 100 विक्स क्यों ले रहे हैं मैडम? लेडीज फैशन के लिए रे भाई, अर्जेंट चाहिए, 2 दिनों के अंदर चाहिए, 1,00,000 रुपए दूंगी, बोलो करोगे के नहीं? क्या 1,00,000 रुपए? करूंगा मैडम, कहकर मान लिया। स्केरी टीचर वहां से चली गई। रघु तुरंत वेंकट के पास जाकर सब बताया। रे भाई वो विगों का ऑर्डर मिला है रे, 1,00,000 रुपए देंगे बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ करके 2 दिनों में 100 लोगों के बाल काटने होंगे रे। तुम्हें उतना बड़ा ऑर्डर किसने दिया रे? वो बिजनेस सीक्रेट है रे, नहीं बोल सकते, पहले 100 विक्स कैसे लाए वो सोचो। 2 दिनों में उतने बाल काटना मुझसे नहीं होगा रे, तुम भी मेरी मदद करो। ऐसे वो दोनों मिलकर अगले दिन रात के समय
एक एक घर के अंदर जाकर एक औरत के बाल काटने की कोशिश किए, मगर उन बालों में पहले से तेल लगा होने के कारण वेंकट, ये क्या रे, हाथों में तेल लगा हुआ है, ये कौन सा ऑयल है, कहकर हाथ को नाक पर लगाया। बस वेंकट हंसने लगा। रघु भी उस तेल का बू सूंघने के कारण दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अभी घर में सब लोग जाकर उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे और पुलिस वालों के हवाले कर दिए। थ्री मैजिकल ट्री हाउस। अमीनपुर के गांव में पंकज और सचिन करके दो दोस्त थे। दोनों आजू बाजू की झोपड़ी में रहते थे। वे दोनों मिलके जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना जीवन गुजारा करते थे। पंकज बहुत लालची था, वो बस पैसे कमाने का रास्ता ढूंढता रहता था। दूसरी ओर सचिन बहुत ईमानदार आदमी था, वो बस सूखे हुए झाड़ों को काटता और उसे जो हाथ में पैसा आता उससे खुश रहता। एक दिन सचिन और पंकज जंगल में झाड़ काटने गए। लाल चंदन की झाड़ को देखते ही पंकज को खुशी होती है। अरे वाह, आज तो खुशी का त्योहार है, जो हमें लाल चंदन दिख गया, अब से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अरे हम इतने दिनों से रोज यहीं आते हैं झाड़ काटने पर, ये लाल चंदन का झाड़ हमें पहले कभी नहीं दिखा, और वैसे भी लाल चंदन के झाड़ को काटना इलीगल है। ये सब छोड़ दो, बस उस झाड़ को देखो कितना हरा भरा है। इस हरे वृक्ष को देखते देखते हम कैसे इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी मारें, चलो हम अपने रास्ते चलकर लकड़ी काटते हैं। पंकज को बहुत गुस्सा आया। हमारे आंखों के सामने भाग्य देवता को छोड़ने, मैं पागल तो नहीं हूँ, हमारी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं बन सकेगी। अगर तुम इसी तरह हरियाली और वातावरण के बारे में बात करोगे तो मैं इतने दिनों से बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारी किस्मत का जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे मेरा काम करने दो, तुम अपने रास्ते जाओ और सूखे लकड़ियाँ काटते रहो, चलो जाओ यहाँ से। उस दिन से पंकज रोज उस जंगल में लाल चंदन के झाड़ को काटते रहा। और खूब पैसे कमाने लगा। कुछ दिनों बाद पंकज उस झोपड़ी की जगह घर बांधता है और कुछ दिनों में महंगा गाड़ी भी खरीदता है। पंकज की पत्नी के पास बहुत सारे जेवर भी आ जाते हैं, पर सचिन का झोपड़ी बस वैसे ही रह जाता है। सचिन की बीवी थोड़े पैसों में अपना घर भी संभाल लेती थी, वे बहुत सुखी से रहते थे। एक दिन पंकज और सचिन जंगल में चलते चलते उन्हें तीन बड़े ट्रीज दिखाई देते हैं। उन तीनों ट्रीज के ऊपर तीन ट्री हाउसेस थे। एक ट्री पैसों से भरा था, दूसरा सोने से भरा था और तीसरा हीरो से भरा था। पंकज उसे देखते ही खुश हो गया। हीरो से भरा ट्री हाउस के पास भाग के गया। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही पंकज फिसल के गिर गया। तीनों ट्री हाउसेस के ऊपर कितनी बार भी चढ़ने की कोशिश करता, पर वो फिसल के गिर जाता। पंकज को बहुत गुस्सा आया। ये तो मैजिकल लग रहा है, उस ट्री हाउस के ऊपर मनी, गोल्ड और डायमंड्स लेने अगर मैं नहीं जा सकता तो उसको ही नीचे लाता हूँ। ऐसा बोल के अपने कुल्हड़ को उठा लिया सचिन पंकज का हाथ पकड़ते हुए। रुक जाओ पंकज, तुम अपने स्वार्थ के लिए इस हरे झाड़ को मत काटो, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम क्या कर लोगे, मुझे तुम्हारी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। सचिन को धक्का देता है। उस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से मारते ही तुरंत उसमें से एक बिजली कड़कती है और उसमें से देवता प्रकट होती है। वे गुस्से में उस पंकज को, बस करो अपराधी। पंकज आश्चर्य हो जाता है। मैं एक वन देवता हूँ, इस जंगल की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम दोनों पर नजर रख रही थी तब से जब से तुम इस जंगल में आए। तुम्हारा लालच दिन भर दिन बढ़ते ही जा रहा है। इतना कमाने के बावजूद तुम्हें खुशी ही नहीं है। अब तक जो भी इल्लीगल मनी तुमने कमाया है वो सब मैं वापस ले रही हूँ। एक और बार अगर तुमने इस जंगल में पैर रखा तो तुम्हारा सर हजार टुकड़ों में काट दिया जाएगा। पंकज अपना सर झुका के वहाँ से चला गया। वन देवता सचिन से, मैं तुम्हें भी देख रही हूँ, तुमने इस प्रकृति और हरियाली को इतना प्यार से संभाला। तुम्हारे इस काम का प्रतिफल के लिए मैं ये सारे ट्री हाउस के मनी, गोल्ड और डायमंड्स तुम्हें देती हूँ, तुम जाके ले लो। वन देवता ने जैसे ही अपना हाथ फिराया ट्री हाउस के पास सीढ़ियाँ आ गई
और सचिन सीढ़ियां चढ़कर उस ट्री हाउस के ऊपर से मनी, गोल्ड और डायमंड ले लेता है। फिर वन देवता को नमस्कार करता है। पंकज अपने घर जाते ही देखता है कि उसका घर और घर के सामने रखा कार गायब हो जाता है। बस पुराना झोपड़ी ही रह गया। सचिन उस गांव में एक अमीर आदमी बन गया।